सर एक एक जन खिलाना के हार्दिक शुभेच्छा है जिस तरीके से वेलकम किया गया है आपका विदिशा, आप बताइए कितनी वार्म ये फीलिंग है। देखिए राइट नाउ मैं बहुत ही ओवरवेल्म फील कर रही हूँ, इतने वेलकमिंग यहाँ पे लोग हैं, कास्ट एंड क्रू मेरे सारे को एक्टर्स जो हैं शुरू से पहले दिन से इतना अच्छा फील कराया है, इतना कंफर्टेबल फील कराया है कि मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि मैं पहली बार आके मेरे लिए नया ये सेट है या मैं बहुत पहली बार इन लोगों के साथ काम कर रही हूँ। सो इट्स अ वेरी वेरी गुड फीलिंग राइट नाउ। विभूति जी आपका क्या कहना है, कैसी लगी आपको ये बहुत अच्छा कर रही हैं ये और वी आर हैप्पी टू बी इनके साथ, शी इज ऑन बोर्ड नाउ विद अस एंड आई होप कि ये जैसे पिकअप कर रही हैं वैसे पिकअप करती रहें और शी इज़ अ वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस एंड वी आर ऑल वेरी होपफुल कि शी डज वेल फॉर दिस। रोहिताश जी आपने सबसे पहले शूट किया था इनके साथ तो उस दिन से लेके अब तक मेरे को लगता है सबसे ज़्यादा जर्नी आप ही ने देखी है विदिशा की, क्या जी बिल्कुल बहुत मेहनती है, बहुत मेहनत से काम कर रही हैं और पिछले दो साल मेरे कैरेक्टर के तो बहुत बुरे गुजरे हैं, थोड़ी डावाडोल सी स्थिति रही है तो अब कहीं जाके लग रहा है कि गाड़ी पटरी पर आ रही है। इन्हें अपनी पड़ी हुई है बताइए, विदिशा की बात चल रही है इनको अपनी पड़ी हुई है। नहीं मैं वही आ रहा था, आने नहीं दिया। ओके शिवांगी आप क्या कहेंगी, अंगूरी भाभी की ये पड़ोसन कितनी दिलचस्प है इस? नहीं मैं तो बहुत दिल से स्वागत करती हूँ विदिशा का और हम तो यही बोलेंगे फेविकॉल के मजबूत जोड़ की तरह चिपक जाइए बस। ये बात सही है। हां थैंक यू वेरी मच, आप लोग आए और आप लोगों ने इनको एनकरेज किया और ऐसे एनकरेज करते रहिए। बस मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही ऑडियंस भी मुझे प्यार करे और एक्सेप्ट करे, इतना अच्छा रोल है और मैं पूरी कोशिश करूँगी, मैं अपना 100% दूंगी, बस मैं चाहूँगी कि दर्शकों का प्यार हमें और पूरे भाभी जी घर पर है कि शो को सेट मिलता रहे। थैंक यू।